सिख चैनल वेख रही सब संगतां नूं मनराज सिंह खालसा जी दे वल्लों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। सो अज असी पहुंचे हाँ पिंड कुठाला जिला संगरूर। अज आपां दर्शन करांगे गुरद्वारा सुधा सिंह जी कुठाला, जो कि शहीदी मिसल दे तीसरे मुखी हुए हन। अते इस गुरद्वारा साहब जी का बहुत ही इतिहास महत्व है। इस गुरद्वारा साहब जी दे विच जदों साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना, जो कि 1604 ईस्वी दे विच कीती गई, दमदमा साहब साबो की तलवंडी, जिथे के साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी नूं अंकित किया। इस दी सेवा शहीद भाई दीप सिंह जी अते शहीद भाई मनी सिंह जी दे हिस्से आई। अते ओ दमदमा साहब वाली भीड़ अज इस गुरद्वारा साहब दे विच शोभित है। अते बाबा सुधा सिंह जी, जो कि जिन्हां ने कि वड्डे घल्लूघारे दे विच पठाणा दा डट के मुकाबला किया, अते इस गुरद्वारा साहब दे विच ही उस समय जो उन्हां दे साथी शहीद होए, उन्हां दा इत्थे अंगीठा साहब भी सुशोभित है। सो आओ आपां अज दर्शन करते हाँ गुरद्वारा सुधा सिंह जी अते जो इत्थे ओ पुरातन दमदमा साहब वाली भीड़, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ जो इत्थे सुशोभित है, आओ उसके दर्शन करते हाँ। अते इस साहब जी गुरद्वारा साहब जी दे हैड ग्रंथी साहब जी नाल गलबात करके आपां इस गुरद्वारा साहब जी का जो इतिहास है वह सरवण करांगे। बहुत जन्म बिछड़े तेरे माधो, यह जन्म तुम्हारे ले। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन दे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे ने। बहुत जन्म बहुत हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे ले। बहुत बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे ने। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन दे,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे रे बहुत जन्म बहुत जन्म जिस तरह के आप दर्शन कर रहे से गुरुद्वारा शहीद बाबा सुधा सिंह जी कुठाला वाले सो जो के शहीदी मिसल दे तीसरे मुखी हुए हैं जिन्होंने के इत्थे आण के पठाना दे विरुद्ध शहीदी पाई है सो हुण आपां दर्शन करांगे वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी बीड़ जो के साहिबे कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज करन उपरंत जो कि भाई साहब भाई शहीद भाई मनी सिंह जी दे कोलों लिखवाई तुसी उस दमदमी बीड़ जी दे दर्शन कर रहे हो जो कि बहुत ही पुरातन बीड़ जो कि अज भी सिख संत सिख समाज दे वल्लों सामभ के रखी गई है जो साड़ी आउण वाली पीढ़ी है जिस दे विच उन्हां ने हाथ दे नाल इस नूं लिखिया है बहुत ही सोहने शब्दों के नाल इस दे हर रोज़ संगत इत्थे दर्शन कर दिया हन सो तुसी दर्शन कर रहे हो दमदमी बीड़ जो कि दमदमा साहब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई शहीद भाई मनी सिंह जी पासों लिखवाई सी जो कि अज गुरद्वारा शहीद भाई सुधा सिंह जी कुठाला जो कि मलेरकोटले तो रायकोट के उत्ते 3 किलोमीटर हटवा स्थित है आप जी कि भी आप जी का सबाब बने तो आप इतने जरूर आ के दर्शन करो बहुत ही वधिया गुरद्वारा साहब बनया होया है आते जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भाई मनीदास जी तो लिखवा के जो सेवा लही है वह बीड़ अज भी इतने सुशोभित है सो तुसी उस बीड़ के दर्शन कर रहे हो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे ने बहुत जन्म
बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे ले कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन दे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे ने बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म सो तुसी दर्शन करे से दमदमी बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कि साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई शहीद भाई मनी सिंह जी पासों दमदमा साहिब साबो की तलवंडी विखे लिखवाई से उसके तुसी दर्शन कर रहे से जिस तरह के आप सब संगतां नूं पता ही है कि अज आपां पहुंचे हुए हाँ पिंड कुठाला जिथे कि शहीद बाबा सुधा सिंह जी का शहीदी अस्थान है। सो जिथे कि दमदमी बीड़ दे नाल इत्थे संगतां उस बीड़ दे दर्शन करन करके आउण करके इस स्थान अज सिख पंथ दे विच बहुत प्रफुल्लित है। सो साडे नाल हन इस गुरद्वारा साहिब जी दे प्रबंधक कमेटी अते इत्थे दे मुख सेवादार अते नाल ही साडे हन भाई साहिब इस गुरद्वारा साहिब जी दे हैड ग्रंथी साहिबा। सो उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। सो इस गुरद्वारा साहिब जी दे इतिहास बारे अते ए दमदमी बीड़ जो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज करन तो बाद लिखवाई सी। सो उस इत्थे किस तरह पहुंची सो उस दे बाबत आपां अज इन्हां दे नाल गलबात करांगे। सो सब तो पहला फतेह दी सांत पुनेहा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो सब तो पहला भाई साहिब जी आप जी का शुभ नाम जी। हां भाई हरबंस सिंह जी। सो असीं आप जी दे कोलों पुछना चाहुंदे हां कि शहीद बाबा सुधा सिंह जी दा पिछोकड़ की है उस दे बारे समूह जो भी सिख चैनल संगतां देख रही हां उन्हां नूं जानकारी दिओ जी। शहीद बाबा सुधा सिंह जी दा जो महान इतिहास है तवारीख है उस दे मुताबक जो गुरु इतिहास दे नाल उन्हां दा संबंध जुड़िया है शहीद बाबा दीप सिंह जी उन्हां तो बाद तीसरे मुखी जो बाबा शहीद सिंह जी सुधा सिंह जी शहीद मिसल दे होए ने उन्हां ने तीसरे मुखी दी तौर ते शहीदी मिसल दी कमांड संभाली अते सिख पंथ दी महान सेवा निभाई है जिन्हां दे असीं अज सारा सिख कौम ऋणी है जिन्हां ने इस पावन पवित्र अस्थान ते ये महान खजाना संभाल के सिख कौम दे झोली दे विच पाया है। असीं अज इन्हां दे अस्थान ते सारे एकत्र होए हां जो पावन पवित्र सरूप साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे आपां दर्शन दारे कीते हन। ये पावन पवित्र सरूप भाई साहब जी ने जिस तरह दस्या है कि दमदमा साहिब की पवित्र धरती दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नौवें पातशाह की बाणी नू इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बीड़ दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई मणि सिंह होरां पासों लिखवा के संपूर्ण किया। उस तो बाद ये पावन पवित्र सरूप जो शहीदी मिसलां दे विच रहा करदे सन जिन्हां दी कमांड पहला बाबा दीप सिंह जी कोल ते उस तो बाद दूसरे मुखी बाबा गुरबख्श सिंह जी होए जिहड़े थोड़े समय दे विच शहीदी प्राप्त कर गए। उस तो बाद तीसरे मुखी बाबा सुधा सिंह जी होए जिन्हां ने इस जथे की कमांड नूं संभालिया अते समा आया 1762 ईस्वी का जिस वेले सब तो भयानक सिख कौम दे उत्ते कतलेआम करन वास्ते अहमद शाह अबदाली फौजां चढ़ा के लैके आया अते उसने सिखां दा सरेआम कतलेआम किया। घट गिणती होने के बावजूद भी 70,000 उस वेले की जो सिख कौम की गिणती सी जिस दे विच्चों तकरीबन 35,000 सिख कौम नू एक दिन दे विच शहीद किया गया जो कोपर हीड़े तो लैके कुतवे तक का ये कलू घारे का जंग होया जिस दे विच उस वेले बाबा सुधा सिंह जी भी इस
समय दे विच आ के सिख कौम की संभाल वास्ते शहीदी मिसल नाल लैके पहुँचे। उस वेले पावन पवित्र सरूप भी उन्हां दे नाल सन। ते कई इतिहासकारां ने इत्थों आ के लिखिया है कि इस पावन पवित्र वीड़ नूं अहमद साहब दाली अपने नाल लै गया। कई ने लिखिया है भई ये पावन पवित्र सरूप इस जंग दे विच गुम हो गए, गवाच गए। पर जे असी इतिहास पढ़िए, तवारीखां पढ़िए, तां ये पावन पवित्र सरूप जी नूं बाबा सुधा सिंह जी ने इस भयंकर जंग दे विचों संभालदिआं होइआं इस इलाके वल नूं लै के आंदा। उस वेले जिहड़े नाल सिंह सन वह भी बाबा जी दे नाल आए अते इस अस्थान ते इस नगर दे विच पहुंचे। उस वेले इस नगर दे विच इस अस्थान ते एक डेरा बाबा सिद्ध जागां दे नाम ते बणिआ होइआ सी। ते इत्थे आ के बाबा सुधा सिंह जी ने समें दे महंत जी दे कोल ये पावन पवित्र सरूपां दी संभाल करवाई अते नाल आउंदिआं होइआं जो रस्ते विच सिंह शहीद होए तकरीबन 19 सिंघां दी गिणती इतिहास दसदा है। 19 सिंघां दा शहीदी अस्थान भी इत्थे बणिआ है। उन्हां दा संस्कार बाबा सुधा सिंह जी ने इस अस्थान ते अपने हत्थीं कीता अते महंत जी नूं पावन पवित्र सरूप संभाउंदिआं होइआं सुरक्षित जगह देखदिआं होइआं आप जाके दोबारा फिर जंग दी कमांड संभाली अते इस तों बाद बाबा जी आप इस कमांड नूं संभालदिआं होइआं अगे जाके शहीदियां प्राप्त करदे ने। ते उस तों बाद अज तकरीबन 250 साल दे करीब इस पावन अस्थान ते पावन पवित्र सरूप नूं पहुंचिआ होइआ है। 252 साल तकरीबन इस अस्थान ते पहुंचिआ नूं होए ने। ते उस वेले तों लै के अज तक इस नगर निवासी संगतां ने रल मिल के, इलाके दीआं संगतां ने रल मिल के ये पावन पवित्र अस्थान शहीद बाबा सुधा सिंह जी की याद में बनवाए ने, जिथे आप संगत अज दर्शन दिदारे करन वास्ते पहुंचे हो। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाडे खेत। जदों भी सिख कौम के उत्ते किसी ने आण के हमला किया है तो गुरु के सिखा ने उसका डट के मुकाबला किया है तो उसका मूँह तोड़वा जवाब दिता है। इस तरह ही अहमद शाह अब्दाली दे वलों अनेक वार भारत के उत्ते पंजाब के उत्ते हमला किया गया, सिखा दे नाल लड़ाइया लड़िया गई। पर उत्थे ही शहीद बाबा दीप सिंह शहीदी मिसल दे जो कि पहले मुखी होए हैं अते तीसरे मुखी शहीद बाबा सुधा सिंह जी जिन्हां दे के अज आपां स्थान ते खड़े हाँ, जिन्हां ने कि उसका डटवा मुकाबला किया ते उसनू मूँह तोड़वा जवाब दिता अते ओ बीड़ जो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पासों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी दे पासों लिखवाई सी उसनू इत्थे सुरक्षित जगह रख वेख के इत्थे सुशोभित किया। इस तरह जेकर आपां गल करिए जदों छोटे साहबजादियां दा सरसा नदी दे उत्ते विछोड़ा पिया तां कहा जांदा है कि बहुत सारा इतिहास साडा जो कि खजाना सरसा नदी की भेट चढ़ गया, चाहे वह 1984 दे विच ब्लू स्टार जो श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते हमला किया गया, उस समय ही अनेक साडे इतिहास ग्रंथ जो कि अज भी तक भी सानू नहीं दिते गए अते कुछ नूं अगन भेट करके उन्हां नूं सुबाह तबाह कर दिता गया। सो यह आ दमदमी बीड़ जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने समय तो भाई मनी सिंह जी ने लिखी है, ये एक साढ़े कोल बहुत ही सुनहरी सोने का कह सकते हैं साढ़े कोल खजाना है जिसका संगतान इतने आन के दर्शन करने चाहिए हैं जिस तरह के भाई साहब जी ने दसिया है। सो जिस तरह असी आ इस गुरद्वारा साहब जी का प्रबंध कौन करता है तो इतने किहड़े किहड़े समागम करवाए जाते हैं? इस गुरद्वारा साहब का प्रबंध इस वेले नगर के पतवंते सज्जन गुरमुख सेवादारां वल्लों बहुत सोहणे सुचज्जे ढंग दे नाल चलाया जा रहा है, गुरमत मर्यादा दे अनुसार चलाया जा रहा है अते बड़े महान समागम, सब तो बड़ा जो समागम इस अस्थान ते महान घल्लूघारे दे शहीदां दी याद विच माघ सुदी दसवीं नूं तकरीबन 5 दिनां दा लगातार गुरमत समागम जिहदे विच बड़े महान कथा कीर्तनीए गुरसिख आ के सेवावां निभाउंदे ने। खास तौर ते जो समें दे मौजूदा मुखी बाबा मखण सिंह जी, बाबा बकाला साहब वाले जो 14वें मुखी हैं इस वेले शहीदी मिसल दे, वो सारिया जो शहीदी मिसलों नूं नाल लैके इस अस्थान ते हाजरी लवाउंदे हन अते छोटे साहबजादियां दी शहीदी दिहाड़े दे संबंधत विच अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अवतार दिहाड़े दे संबंध विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े दे संबंध विच इस अस्थान ते बड़ी धूमधाम दे नाल ये गुरमत समागम बड़ी चढ़दी कला दे नाल मनाए जांदे हन। इलाके दीआं देसां विदेशां दे विचों आ के संगतां दर्शन दिदारे करके गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करदीआं हन अते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन दिदारे करदीआं हन। इस वेले
जो समय के मुखी जो गुरद्वारा साहब के प्रबंधक सेवादारा के प्रधान भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी और खजांची साहब भाई गोबिंद सिंह जी भाई हरविंदर सिंह जी होर बेअंत जो गुरसिख नाल यह सेवा निभा रहे हैं इस पावन स्थान की बड़ी चढ़ती कला के नाल अज सेवा चल रही है। सो जिस तरह के आपां दर्शन किए हैं गुरद्वारा दमदमी बीड़ दे सो जिस तरह के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जो राग माला है कि वह बाद दे विच कवियां दे वल्लों इसकी रचना की गई जिस तरह के यह पुरातन बीड़ है जो कि पुरातन बीड़ है जिस तरह के इस गुरद्वारा साहब जी के प्रधान साहब साढ़े नाल हैं जो कि बहुत इतिहास के नाल भी जुड़े हुए हैं। सो आपां सब पहला गल की है सो हैड ग्रंथी साहब जी के नाल इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सिख चैनल के नाल गलबात करन ते। सो नाल ही हैं इस गुरद्वारा साहब जी के प्रधान साहब सो खजानची जो उन्होंने नाल आपां गलबात करते हैं कि जिस तरह के ये भाई साहब जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो दमदमी बीड़ जिसनों कहा जाता है वो इस गुरद्वारा साहब में सुशोभित है कि जिस तरह कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो राग माला है वो किसी कविया ने उसकी रचना की है यानी कि उसके तत् सामने नहीं आते सो कुछ इनू मानते भी नहीं हैं। सो इस गुरु साहब जी की बीड़ दे विच कुछ एहोजियां सानू उदाहरण कुछ मिलदियां हन जिस तो स्पष्ट हुंदा होवे कि हाँ कि राग माला गुरु साहब जी की रचना ही है जी। जो गुरु ग्रंथ साहिब गुरद्वारा साहिब शहीदी कुठाला विखे सुशोभित हैं ये दसवें पातशाह की रचना तो उच्चारण किए हुए भाई साहब भाई मनी सिंह की हथ लिखत बीड़ है क्योंकि अज भी साढ़े कौम के विच बहुत भंबल भूसे पाए जा रहे हैं। कोई विद्वान रागमाला मानता है कोई कहता है ये पिछों लिखी हुई रचना है। सो इस बीड़ के उत्तों बहुत विद्वान आके सबूत लेके जाते हैं जो कि इस बीड़ के तत्करे दे विच भी रागमाला दा जो अंग लिखा हुआ है जो रागमाला दे अंग इस बीड़ दे विच सन वो कुछ बहुत लंबा समा पहला बजुर्गों के दसन अनुसार जो कि पंज खंडियां वाले पसौड़िए बजदे सी उन्हां दा मोढ़ी तेजा सिंह दे विचों फाड़ के लै गया सी जो कि बाद विच एक गुरसिख पटियाले तो जिन्हां ने हथ लिखत बीड़ करके इस दे अंग संपूर्ण करके ये बीड़ हुण इस बात संपूर्ण है। तो जो भी इस गल नूं नहीं मानता कि रागमाला गुरु का अंग नहीं उहनूं असीं चैलेंज करदे हां वह आके इस बीड़ दे विच्चों दर्शन करके अपना जिहड़ा भुलेखा है उहनूं दूर कर सकता है। सो जिस तरह के इस गुरद्वारा साहब जी का प्रबंध जो कि लोकल कमेटी के वलों किया जाता है सो कदे इस तरह होया है कि इस बीड़ नूं किसी अकाल तख्त साहब या होर किसी जगह पर ले जाण वास्ते कोई तुहाडे नाल गलबात हुई होवे। सन 93 तो लैके दास नूं इस गुरद्वारा की सेवा मिली हुई है वो इन्ने समय के अज तक कोई बंदा इहोजिहा नहीं आया जिन्हें कहा होवे कि बीड़ अकाल तख्त ते लैके जानी है जां श्रोमणी कमेटी ने कब्जा करना है। ये बिल्कुल कोई गल साढ़े सामने नहीं आई जो भी सेवा चल रही है ठीक चल रही है। पिंड की लोकल कमेटी कुछ बंदे कदे बदलते रहते हैं कदे नवे आते रहते हैं पुराने बदल जाते इस तरह चलती आँदी है। यहोजी कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी ने आके इस बीड़ बारे सानू कोई चैलेंज किया हो लैके जानी है जां धक्का किया हो बिल्कुल इस तरह की कोई गल नहीं हुई। सो इस सन गुरद्वारा शहीद बाबा सुधा सिंह जी दे प्रबंधक अते हैड ग्रंथी साहब जिन्हां दा कि असी सिख चैनल दे नाल गलबात करन ते बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। सो उत्थे कदों सो जिस तरह के ये जो दमदमी बीड़ है कि इसनों हर रोज़ प्रकाश किया है जाता है ज कि कोई विशेष दिन के उत्ते प्रकाश किया जाता है। हाँ सिख संगतां नूं ये दसना जरूरी है कि यह पावन पवित्र अस्थान ते पावन पवित्र सरूपां नूं पहुंचिया बहुत समा हो गया है इस करके ज़्यादा विरध होण करके हर रोज़ पावन पवित्र सरूपां नूं प्रकाश नहीं किया जाता। हरेक चाननी दसवीं वाले दिन जो सुधी दसवीं आउंदी है उस दसवीं वाले दिन सवेरे 4 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक सतगुरां दे पावन सरूप प्रकाश रहिंदे हन देसां विदेशां विचों आ के संगतां दर्शन दीदारे करदियां हन। बाकी जो ज़्यादा गिणती विच कई वार संगत इस स्थान ते आउंदी है दर्शन दीदारे करन वास्ते तां उस वेले मौके ते सतगुरां दे पावन सरूपां नूं प्रकाश करके दर्शन दीदारे करवाए जांदे हन। सो बेनती है खास तौर ते कि दसवीं वाले दिन ही संगतां आ सकण तां बहुत चंगी गल है नहीं फिर ज़्यादा गिणती विच जे संगत आउंदी है तां कोई सानूं दिक्कत नहीं असीं प्रकाश करके सतगुरां दे पावन सरूपां दे दर्शन दीदारे करवाउंदे हां। इह संगतां नूं बेनती है कि आ के दर्शन दीदारे करके गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करो जी।
सारी संगत का धन्यवाद है और नाल ही असी सिख चैनल वाले वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विशेष तौर पर इस पावन पवित्र स्थान पर आके दर्शन दीदारे किए हैं और देशों विदेशों के इस चैनल के राही आप संगतों को इस महान पावन पवित्र स्थान के दर्शन दीदारे करवाए हैं। कोटन कोट धन्यवाद साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का है और भाई साहब होर जिन्होंने विशेष तौर पर पहुँच के इस समय के दौरान जो अज मीडिया माध्यम के राही सारिया आप संगतों इस पावन स्थान के दर्शन दीदारे कराए ने बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सो असी भी इस गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिख चैनल के वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने कि विदेशों के जो संगत बैठिया हैं सिख चैनल के माध्यम राही जो कि इतने संगत नहीं आ रही उन्होंने दमदमी बीड़ साहब जी के दर्शन करवाए हैं इस गुरद्वारा साहब जी के दर्शन करवाए हैं। अगर आप जी का कदे भी सबब बनता है पंजाब आने का तो आप अरदास करो कि इस दमदमी बीड़ दे जरूर दर्शन करो जो कि मलेरकोटले तो रायकोट तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हटमा स्थित एक गुरद्वारा साहब शोभित है। सो इतें जो भी आप जो सबब बनता है तो दर्शन करो इतने ही नाल ही इस गुरद्वारा साहब जी के जो गुंबद है 19 सिंह शहीदों का अंगीठा इतने तैयार किया गया से संस्कार किया गया से वह भी गुरद्वारा साहब इतने शोभित है। इतने हर रोज़ ही सवेरे नितनेम अमृत बाणी कीर्तन होंगे हैं गुरु का लंगर अतुट वरदा है। सो सानू दो आ गया से फिर मिलेंगे आप जी फिर अक इतिहास गुरद्वारा साहब जी के नाल। सो मेरे नाल कैमरामैन अमरजीत सिंह ढिल्लों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।